किसी भी कॉलेज को चूज करने से पहले कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको चेक करने चाहिए। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर 2024 में आप भी एमबीए करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको भी ये 5 फैक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंट चेक करना चाहिए अगर आप अपना इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुस्कान, आपकी आज की होस्ट। तो अगर आप इस चैनल एमबीए फंडास बाय सनस्टोन पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। एमबीए जैसे कोर्स को चूज करने से पहले स्टूडेंट्स, आपको उसकी रैंकिंग, रिकॉग्निशन, अप्रूवल और इसके अलावा कौन से हैं वो फैक्टर्स जो आपको जरूर चेक करने चाहिए, आइए हम उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट, ये फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप अपनी एमबीए के लिए जो पैसा लगा रहे हैं, अपने फंड्स लगा रहे हैं अपनी स्टडीज के लिए, तो आपको ये भी चेक करना चाहिए कि क्या मेरा वो 2 साल की इन्वेस्टमेंट मुझे उतना रिटर्न देगी। क्या मैं अगर अपना 5 लाख रुपए अपनी एमबीए की स्टडीज में लगा रहा हूँ तो क्या मुझे उसमें 2 साल के बाद क्या मुझे वो डिग्री इतनी रिटर्न वापस देगी। ROI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कॉलेज को चूज करने का, क्योंकि आप ROI के बेस पे ही जानते हैं कि वो कॉलेज की प्लेसमेंट क्या रहेगी और इसी के ऊपर आपकी फर्दर लाइफ जो है वो डिपेंड रहेगी। ROI का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है FMS। अगर हम FMS की बात करें तो यहाँ पे आपको MBA की फीस कुछ 2 लाख मिलती है, और इसकी अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज 32 लाख का मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे डिफरेंस चेक कर पा रहे हैं कि कितनी बढ़िया ROI मिल सकती है आपको। ROI के बाद रहता है आपकी प्लेसमेंट परसेंटेज। तो किसी भी कॉलेज का सबसे पहले आपको प्लेसमेंट परसेंटेज चेक करना चाहिए कि उनका प्लेसमेंट नेटवर्क कितना बड़ा है या कौन सी कंपनीज है जिनका उनके साथ टाइअप है। और ज्यादातर स्टूडेंट्स, आपको ये भी चेक करना चाहिए कि अगर आप कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन चूज करने वाले हैं तो उस स्पेशलाइजेशन में कितनी परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट हुई है। टॉप हायरिंग कंपनीज की बात करें एमबीए के लिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको टेक महिंद्रा, IBM, गूगल ऐसी कंपनीज मिलती है फॉर एमबीए प्रोग्राम। थर्ड आपके पास रहता है गवर्नमेंट एजेंसीज की अप्रूवल। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी डिग्री तो कर रहे हैं बट क्या वो डिग्री वेरीफाइड है, क्या आपकी यूनिवर्सिटी UGC अप्रूव्ड है, AICTC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, ये चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है रैंकिंग एंड रिकॉग्निशन। तो अगर हम रैंकिंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये आपको अगेन आपकी प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसकी एक डेफिनेटली एक अलग रेटिंग रहती है कि आपने कौन सी कॉलेज से किया है, उस कॉलेज का क्या रैंक था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप रैंकिंग चेक करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स एमबीए के लिए आप उसका NRF रैंक चेक कर सकते हैं, NAC रैंक चेक कर सकते हैं, NBA रैंक चेक कर सकते हैं। तो ये रैंक जब आप चेक करेंगे तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपका कॉलेज कहाँ पे स्टैंड करता है और आपको क्या वो कॉलेज चूज करना चाहिए। एंड लास्ट फैक्टर इज योर फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एलुमनाई। तो स्टूडेंट्स, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप एमबीए का प्रोग्राम चूज कर रहे हैं, आप कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हैं, क्या आपके कॉलेज में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, क्या वहां पे आपके लिए लैब्स हैं, क्या आप वहां पे अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को इनहांस कर सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी जो फैकल्टीज हैं वो आपको कैसे पढ़ाएंगे, उनका टीचिंग मेथड क्या रहेगा, उनकी प्रोफेशनल डिग्री, प्रोफेशनल नॉलेज क्या है, ये सब चीजें भी बहुत मैटर करेंगी। तो स्टूडेंट्स, ये थे वो 5 फैक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप अगर अपने एमबीए के लिए कॉलेज चूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बट स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल एमबीए फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।